2021 भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी तैयारियों का साल रहा। भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनाव की तैयारी में जुटी रही। बूथ कमेटियों का गठन किया गया, पन्ना प्रमुख बनाए गए, विधानसभा प्रभारी बनाए गए। इसके साथ ही बहुत सारे नेताओं की करतूतों का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा नाम गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का रहा, जिनके बेटे पर आरोप है कि उसकी थार जीप से कुचलकर चार किसानों की मौत हो गई। इसी तरह पूरे साल कई तरह के बयानबाजियां रहीं जो कि चर्चित रहीं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री खुद निकले, कोरोना पीड़ित होने के बावजूद जब वे बीमार थे तब भी उन्होंने मीटिंगें की। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया और वे भी लोगों की सेवा करने में जुटे, जिसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से नज़र आया। इसके साथ ही वरुण गांधी जैसे भी कुछ सांसद रहे जो पार्टी में होते हुए भी सबसे बड़े विपक्ष साबित हुए और लगातार ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते रहे। यही पूरा साल रहा भाजपा के लिए, जो कि 2000 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने है वो बिल्कुल एक बदली हुई पार्टी है। ये वो पार्टी है जो हर दिन चुनाव के मोड और चुनाव के मूड में रहती है। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से अब तक लगातार आप देखेंगे कि कोई हफ्ता कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में या फिर जिलों में, वहां भी बूथ के स्तर पर बीजेपी का कोई कार्यक्रम कोई तैयारी नहीं चल रही। तो चुनावी तैयारी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे आगे है, अपने विपक्षियों से बहुत आगे है। दूसरी बात जो रही कि चुनौतियां कहां से आई इसके सामने, तो बीजेपी के सामने या सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां उनके अपने नेताओं की वजह से सामने आई या सरकार में पुलिस की वजह से सामने आई। अब चाहे वो अजय मिश्र टेनी हो या उसके पहले कुलदीप सिंह सेंगर हो, इन सब लोगों की वजह से बहुत किरकिरी हुई सरकार की और पार्टी की। इसके अलावा आप देखें पुलिस ने जो काम किया है था उसकी वजह से भी बहुत किरकिरी हुई, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो गोरखपुर में व्यवसायी का मर्डर हो, या शुरू में ही आप देखें विवेक तिवारी की हत्या लखनऊ में हुई थी। तो इन सब कामों में, इन सब बातों के पीछे या तो पुलिस सरकार में किरकिरी का कारण बनी है या फिर भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता। तो इस वक्त सबसे बड़ी तैयारी बीजेपी की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी उसकी अपने अंदर से ही है। जी, पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप कैसे रहे, किस तरह की चुनौतियों का सामना पार्टी को करना पड़ा? देखिए, पिछला एक साल अगर देखा जाए तो बहुत ही मिला जुला रहा। इसको इस तरह से कहिए कि ये जो आपदा थी कोरोना की, दूसरी बार फिर आ गई थी, इस साल के शुरुआत में उस आपदा ने अपना रूप दिखाया, पर जिस तरह से हमने उस पर नियंत्रण किया, स्वयं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पीड़ित थे, ठीक हुए, हमने 75 जिलों का दौरा किया और जो हाल उससे हुआ कि विश्व भर में उत्तर प्रदेश के इस कार्य को सराहा गया, तमाम एजेंसियों ने सराहा, सर्वोच्च न्यायालय, कई उच्च न्यायालयों ने इसकी तारीफ की। तो अगर आपदा के निपटने के ढंग से देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर वन पे रहा, और अगर विकास के ढंग से देखें तो भी उत्तर प्रदेश नंबर वन पे। हमने इकॉनमी को वहां पहुंचा दिया इस लास्ट ईयर में, जो 12वें 11वें नंबर पे उत्तर प्रदेश देश में होता था, आज दूसरे नंबर पे है, और जो फर्स्ट नंबर पे इकॉनमी उसके बहुत नजदीक हम पहुंचने वाले। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह कानून व्यवस्था और माफिया राज, जो गुंडा राज खत्म हुआ, जो एक तिलस्म था एक ठेकेदारों का, वो खत्म हुआ, तो इन सब के लिए भी हमारा ये कार्य याद किया जाएगा। और रही बात ये कि जो बीच में एक साल के दौरान जो चुनाव भी हुए, जनता का आशीर्वाद हमको मिलता रहा है और ये पूर्ण विश्वास है जो अब हमारी इस समय चुनावी 4.5 साल के बाद हम जनता के बीच में फिर निकले हैं जन विश्वास यात्राओं के तौर लेकर, तो जनता का अपार समर्थन भी हमको मिल रहा है और विश्वास भी हमको हासिल हो रहा है। उसी के सहारे हम ये लास्ट ईयर में जनता के सामने जाने वाले हैं और फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का आशीर्वाद जनता द्वारा मिलने जा रहा है। ऋषि मिश्रा, ईटीवी भारत, लखनऊ।